नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनिए डोगरा। तो इस वक्त हम मौजूद है रिहाड़ी कॉलोनी में। आपको बताते चले, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। एक तरह से कहा जा रहा है कि गरीबों को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ से तस्वीरें आपको दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे लोगों के घर के बाहर, जहां पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि हमें अपने घर पे घरों के बाहर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ तस्वीरें जो हैं नियर बाय लोग जो हैं इनके घर के हालात दिखा सकते हैं। घर के बाहर पेड़ पौधे खूबसूरत तरीके से लगाए गए थे। वहीं पर पीला पंजा जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है। वहीं पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हालात आपको दिखा रहे हैं। रिहाड़ी कॉलोनी के हालात हैं और किस तरह से पीला पंजा इतने खूबसूरती तरीके से यहाँ पे इतना पैसा लगाने के बावजूद, यहाँ तक कि लाइटिंग भी लगाई गई है, लोगों ने घर के बाहर इसको अच्छे से परवरिश करते हुए चार चांद लगाए गए थे। वहीं पे दो तीन सेकंड के अंदर पीले पंजे के साथ इसको तोड़ दिया गया है। और यहाँ के हालात नियर बाय लोग आपको दिखाते चले हैं। गगन, देखिए किस तरह से इकट्ठे होकर लोगों में गुस्सा जो है वो फूट फूट के नज़र आ रहा है। लोग एक तरह से इनका ये भी कहना है कि हमें कोई भी नोटिस जो है वो नहीं निकाला गया। देखिएगा, अब यही पेड़ थे और इनकी हालत देख सकते हैं। एक तरफ से यही कहा जाता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और दूसरी तरफ से घर के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर जंगले तक लगाए गए थे, पेड़ पौधे लगाए गए थे और यहाँ पर खूबसूरत तरीके से फूल तक सजाए गए थे। वहीं पे पीला पंजे, यहाँ पे पीले पंजे के अकॉर्डिंगली एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो चलाई गई है और हालात जो है वो देख सकते हैं। ये लोगों का घर है और घर के बाहर के अगर पास करके दिखा दे, एक तरह से घर है, घरों के बाहर के हालात जो है वो हम आपको तस्वीरें देखेगा यहाँ पे दिखाते हुए घरों के बाहर हालात देख सकते हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करके जानते हैं इस बारे। ठेका दिया, जिनको ठेका दिया गया है उनको सस्पेंड करके उनको ब्लैक लिस्ट में लाओ। ये देख लिया ना आपने, इनको तो चले। किस तरह से लोगों का कहना है कि यहाँ पे नोटिस जो है वो भी नहीं दिया गया और वहीं पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार यहाँ पे ड्राइव जो है वो चल रही है और यहाँ की तस्वीरें जो है रिहाड़ी सरवाल की हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं पर लोगों द्वारा नाराज़गी जो है वो जिताई जा रही है। वहीं पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नोटिस है वो भी जारी नहीं किया गया, नोटिस नहीं दिया गया, एकदम से आके तोड़फोड़ जो है वो करते हुए। वहीं पे दूसरी तरफ बताते चले, पीला पंजा जो है मलिक मार्केट में भी चलाया गया था और वहीं पे अब आप देख सकते हैं सरवाल के विजुअल्स हैं। तस्वीरें आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे एडवोकेट रोड दिया जाता है, मारी दी जाती है, फाइनल ऑर्डर दिया जाता है, मारी दी जाती है, उसके बाद ही कार्रवाई करते हैं। हम आंसर देखिए यहाँ पे किस तरह से आंटी जी भी रो रहे हैं, किस तरह से नजर डाल रही है इंडिविजुअल्स पर, किस तरीके से बिना वोटर स्टॉक किए गाड़ी जा रही है। देखिए यहाँ पे किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। पीला पंजा किसी के लिए सुनने वाला मैं तो साला खुद खाता, दूसरे को खाने नहीं देता। कंद पाया बीजेपी रविंदर राणा, चोर रविंदर राणा। लोकल एरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें आप तक डेली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे जालियाँ लगाई गई हैं और जालियों को भी तोड़ा जा रहा है। वहीं पे पौधे लगाए गए हैं, फूल्स लगाए गए हैं और लोकल्स लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे नोटिस जो है वो नहीं निकाला गया था, नोटिस नहीं दिया गया था। वहीं पे कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई अगर करनी हो तो सबसे पहले नोटिस जारी करना चाहिए। वहीं पर उन्होंने तरफ जिनका घर है उनसे बात की थी, देखिए लोग घरों को शक्ति, उन्होंने कहना है कि मेरे बेटे ने, यहाँ पे बेटा था मेरा और उसने यहाँ पे, और देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे जंगले का तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पे तस्वीरें आपको, और नोटिस जो है वो निकाल दिया गया है। वहीं पर तस्वीरें जो है आपको दिखा रही हैं, देखिए द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरें आप तक, तस्वीरें आपको किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी ड्राइव चलाई जा रही है, यानी कि पीला पंजा चलाया जा रहा है। लोग जो है, कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं से यहाँ पे तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखा रही हैं, तो तस्वीरें आपको दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। रिहाड़ी की तस्वीरें हैं, किस तरह से सामने देखेगा, कैसे लोग भी हैरान हो रहे हैं कि हमारे घरों के बाहर हो क्या रहा है। आपके मेयर को पता है कि स्वच्छ भारत का प्लान है? आप लोगों को पता स्वच्छ भारत क्या होता है? सिर्फ जगह जगह लिखते फेंकने, उसको स्वच्छ भारत कहते हो? ऊपर से आप हम लोगों को ये टेक्नोक्रेट का घर है और आपने उसके गार्डन को पैसे आग लगा दी, कहाँ का हिसाब है? पुलिस कैसे धक्के दे रही है? तमीज ने पब्लिक के साथ कैसे डील करना है? क्या धक्के दे रहे हैं? रहती है कोई नहीं तोड़ा, उसकी बहन की लड़की जज है, उसका कोई नहीं तोड़ा बहन में, क्या क्या बोल रहे हमारे घर के सामने प्राइम मिनिस्टर को कहो मिस यूजिंग दिस मनी। बिल्कुल मेरी मेरी ये देखिए, ये मेरा हाथ देखिए, ये मेरी बाजू, मुझे कोई नोटिस कैसे, नोटिस कैसे आता है? नोटिस इन राइटिंग आता है? नोटिस सर यस सूट वाले उनका नहीं तोड़ा, हमारे घर के सामने सुनीता है, उसकी बहन की लड़की जज है कठुए, उसका नहीं तोड़ा। इसका क्या मतलब है कि जज का रखता है, उनका क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं तोड़ा? उसकी उसका भाई जज होगा, वो जज की बहन है इसलिए नहीं तोड़ा। इसका क्या मतलब है? हमें नोटिस नहीं दिया गया और पुलिस क्या कर रही है, पब्लिक को कैसे धक्के दे रही है? जितने फंड आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए इस स्टेट में। ये स्वच्छ भारत के जो फंड है ना, ये मिस यूटिलाइज हो रहे हैं। देखा इनका घर के बाहर ही तोड़फोड़ की जा रही है, साफ तौर पर पुलिस वालों ने क्या हमारी रक्षा करनी है, वो खुद हमें धक्का दिया उन्होंने। लेडीज पुलिस वाली जो लेडीज आई हैं पीछे कर रही हैं, हमें क्यों कर रही हैं? वो पीछे बात नहीं करने दे रही हैं, समझती क्या है जे अपने आप को, जो हमारी रक्षा करेंगी, जो पब्लिक का साथ नहीं दे रही है। इसका मतलब अगर वो जज की बहन है उसका अगर वो नहीं तोड़ा, हम भी कोई पैदा करें यहाँ पर? मैं एक बात बताऊँ आपको, इनको पता ही नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान है क्या, इनको पता ही नहीं है। कभी आप चंडीगढ़ में जाइए, आप वहाँ देखिए कि किस प्रकार गार्डन लोगों ने घरों के बाहर मेंटेन किए, उनका किसी ने नहीं रिपेयर तोड़ा। जम्मू में अगर कोई स्वच्छ भारत अभियान पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते। यहाँ सर सिंह साहब, रात को क्या होता है कि यहाँ लोग ये लिफाफे छोड़कर चले जाते हैं,
मैंने उस चीज को बचाने के लिए मैंने ये गार्डन बनाया था। क्या लगता बाकी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता सिंह साहब, ये मोहल्ले में छोड़े हैं, लोगों के घर छोड़े हैं। दिस हैज टू सी द एडमिनिस्ट्रेशन, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हमें अपना काम देखा। तो तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं गगन, एक बार यहाँ से दिखा दें, यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी गई है और पीला पंजा जो है घरों के बाहर चलाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, नियर बाय लोग जो है मोहल्ले के वो भी इकट्ठे हो चुके हैं जिनके घर के बाहर तोड़फोड़ की गई है, उन्होंने क्या कुछ कहा देखिएगा यहाँ पे। तो पेड़ यहाँ पे लगाए हुए हैं, घरों के बाहर गमले तक रखे गए हैं, देखिए किस तरह से तोड़फोड़ कर दी गई। नियर बाय लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और दूसरा घर जो है वो इनका है। ये रिहाड़ी की तस्वीरें आप तक दिखाई जा रही है, रिहाड़ी से डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आप तक तस्वीरें दिखाई जा रही, किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ जो है वो कर दी गई है और इनके घर के सामने। तो देखिएगा अभी तक ये इनका साफ तौर पर ये कहना, तस्वीरें देखिएगा, आइए आगे ले चलते हैं गगन, दिखाइएगा यहाँ पे किस तरह से तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। तो देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे प्लेट पे नाम भी लिखा गया है और अभी ही दो मिनट में किस तरह से लगता है कि इनको भी तोड़फोड़ कर दी जाएगी। तस्वीरें जो है रिहाड़ी कॉलोनी की है, यहाँ पे देखिएगा एक तरह से पेड़ पौधे बताया जाता है लगाने चाहिए और छोटे छोटे लॉन जो है वो बनाए गए वहीं पर। तस्वीरें आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से दूसरा जो आपको दिखा दे, ये इनका घर है, इनके घर के साथ ही, और लग रहा है कि अब यहाँ पर भी चल सकता है शायद पीला पंजा। और कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लगाया, मैम क्या कहेंगे, इतनी मेहनत इतनी खूबसूरत तरीके से लगाया गया। छोटा सा था जब उसने लगाना शुरू किया था, वो फिफ्थ में पढ़ता था, इस समय वो 35 ईयर का होगा। उसने शौक था, उसने शुरू किया था। कितना दुख लग रहा अभी ड्राइव, अभी तो उसको पता नहीं, वो बाहर है, उसको तो अभी पता नहीं है, तो नेचुरली है, दुख तो है क्योंकि पहले बोला गया था कि पौधे लगाओ तो, लेकिन उस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं जी, बाकी ठीक है, ओके। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा बेटा था छोटा सा, अब तो वो 35 साल की उम्र का हो गया हुआ है, उसने यहाँ पे लगाए गए थे और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि उन्होंने यहाँ पे लगाया गया था। और तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते चलते हैं, गगन दिखा दे तस्वीरें। चलिए नियर बाय लोगों का क्या कहना है, आपको कुछ नोटिस आया था? ना कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं, मोहल्ले वालों को हम कैसे, मैं तो बीजेपी का वर्कर हूँ, मैं कैसे घर जाऊंगा लोगों को वोट मांगने के लिए। जैसे हाँ। ये थोड़ा एक हफ्ता पहले बोलता भाई अपना सामान उठा लो, हाँ। स्मार्ट सिटी बन रही है, हम भी राजी हैं स्मार्ट हाँ। सिटी से कि साफ होना चाहिए, मगर पेड़ मोदी साहब ने कहा पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ, तो इन्होंने क्या, छोटे गवर्नर साहब की ये रिक्वेस्ट है एक कनाल को नीचे जो हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हाँ तो क्या ये अब ये गमले को भी तोड़ रहे हैं, जंगले को भी तोड़ रहे हैं, बोलते हैं उधर से खूबसूरती करो वो करो, उधर से ये तोड़ रहे हैं, और मैं कहता हूँ जिसकी सिफारिश है वहाँ छोड़ दिया उन्होंने, जिसकी बिना सिफारिश थी वो उसको तोड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सब कुछ सिफारिश पे हो रहा है, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं? हाँ सिफारिश से होता है, सारा सिफारिश पे हो रहा है।
गरीबों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। सब गरीब है, दो दो मरले के हैं, आप इधर आओ सर्वे करो कितने कितने मकान है, कितने कितने मरले के मकान है, दो ढाई मरले, दो ढाई हैं। सड़क इतनी खराब है, एक्सीडेंट रोज होते हैं, तो क्या फायदा आपके तोड़ने का? और कहाँ तोड़ने, तभी है फायदा, जब तोड़ो तो सभी बनाओ। मैं किस तरह से देखते हो जम्मू, हालात ऐसे बन रहे हैं कि जैसे हम किसी के घर भी नहीं वोट मांगने जा रहे हैं, कि इन्होंने ऐसा कि गवर्नर साहब ने कहा था कि हम छोटों को नहीं तंग करेंगे, बड़ों को तंग करेंगे। इन्होंने गवर्नर साहब की भी मानी नहीं, म्यूनसिपलिटी ने अपनी धांधली मचाई है, जो करता है वही आते हैं कि देखो छोटे मरले, दो दो मरले, ढाई ढाई मरले, गरीब आदमी हैं, रिफ्यूजी आए हैं हम, संताली के रिफ्यूजी हैं हम। अब हमें जितनी मेहनत से हमने मकान बनाया, दो दो मरले, दो दो ढाई ढाई, हम पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं, और इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि लोग आगे भी आ रहे हैं, उनको धक्के मार के पीछे किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस साथ लाई है कोई, इधर उन्होंने कोई वो चोरी थोड़ा करी है, पुलिस किस लिए लाई है कि आप इनको पहले एक हफ्ता नोटिस दो, उनके बाद हम भैया हम तोड़ देंगे ये। ये देखो, ये मैडम ये देखो, लुक पे पड़ी है जैसे दुपट्टे को डाई किया है, ये देखो लुक का निशान ही नहीं है, ये हमारे हेडमास्टर हैं। तो साफ तौर पर लोगों से बातचीत की, लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा, और चलिए इनके साथ साथ और सारे लोगों से बातचीत करके जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। छन्नी देखो, त्रिकुटा नगर देखो, हर एरिया को इनको लोगों ने इतना इतना बढ़ाया हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं हुआ इसमें, हमारा तो जगह ही नहीं आगे आई हुई है, फिर भी उन्होंने आने, कम से कम एक नोटिस देना चाहिए बंदे को, भाई इसको थोड़ा हटा के पीछे रखो, बिना नोटिस दिए आगे आगे यहाँ पे कुछ नोटिस देना चाहिए था। आपके सामने नुकसान कितना, लाख डेढ़ लाख रुपए का नुकसान तो हो ही गया है, आप सब देख ही रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं ग्रीन जम्मू, ये कौन सा ग्रीन जम्मू बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है इनकी, बिल्कुल ग्रीन तो तोड़ रहे हैं ग्रीन, लेकिन सर जब बना रहे होते तब ये कार्रवाई नहीं करते, कुछ कहना चाहेंगे? जब हम बनाया किसी ने नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा ठीक है भाई ग्रीन जम्मू बन रहा है, बनने दो, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग सब कुछ लगा के रखा हुआ था, रात को देख रहे हैं लाइटिंग भी है अभी। इतना नुकसान करने के बाद ये कहते हैं कि नहीं हम पूरे जम्मू को करें, कहाँ कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही, ना तो बख्शीनगर को आग लगाया इन्होंने, ना सरवाल को, ना गांधीनगर, ना छन्नी हिम्मत, पूरे जम्मू में ऐसा हुआ हुआ है, उन्होंने ये ग्रीन जम्मू बनाने के लिए पूरे एरिया में कवर किया हुआ है, लेकिन इन्होंने आते ही रेहड़ी में शुरू कर दिया जी ये कर रहे हैं जी हम वो कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी कार्रवाई कुछ महीनों से पहले जो है वो कहीं नहीं की गई, यहीं पे की गई, और कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, इमीडिएट आना ही शुरू कर दिया इन्होंने, आपको ऐसा भी नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, मैं सिटी गया हुआ था अभी वहाँ से आया हूँ, तो इन्होंने ड्राइव शुरू कर दी हुई है, कम से कम थोड़ा सा एक घंटा टाइम तो दो बंदे को, एक घंटा भी टाइम नहीं दिया गया हमें, ये आते ही बस शुरू कर दिया इन्होंने। किस तरह से परिवार जो है रोते रोते अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से रोना आता है माँ बेटी, देखा आपने किस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई है, और लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट फूट के नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कम से कम एटलीस्ट नोटिस तो देना चाहिए, बिना नोटिस के, बिना इन्फॉर्म किए एकदम से आके तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घरों के बाहर पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, वो कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो वहीं पे यहाँ पे पेड़ पौधे ही लगाए गए थे, जिनको आपने देखा किस तरह से सिर्फ 2 सेकंड लगे, कितनी मेहनत
मेहनत की यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने में, उनको पानी देने में कितनी मेहनत की, गमले लेके यहाँ पे लगाने को पानी वगैरह दिया जाता है, उसके बाद देखा आपने किस तरह से पीला पंचा जो है 2-3 सेकंड के अंदर किस तरह से तोड़फोड़ जो है वो कर दी जाती है। और इस बारे में क्या कुछ कहा लोगों ने, जो कि हमने डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आप तक दिखाई, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी जा गया, नमस्कार।